दिल्ली जामा मस्जिद जा रहे हैं, वहाँ जाकर नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज का रोजा इफ्तार वहीं पे करना है भाई, ईशा की नमाज पढ़ के आएंगे यार। चलो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। सारा हो भाई, पीछे चलते रहा रहे आ जाओ मस्जिद में, लेकिन जा रहे लाल किले में। अभी फिलहाल हम लाल किले जा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, हम बहुत सवेर आ गए हैं। सुबह 6 बजे हमारी गाड़ी चलती थी घर से, गाड़ी नहीं बाइक। आते रहो भाई, आते रहो। लाल किला थोड़ा दूर है, आज क्या करना है अब्दुल्ला, हमें बता दो जरा। बस रोजा इफ्तार के फोकस पर रखना है, रोजा इफ्तार करना है और करनी है, भाई की दावत कर दी है मैंने और नमाज पढ़नी है जुमे की नमाज। 1 बजे नमाज है जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद की नमाज है 1 बजे। और हमें बहुत सारे उस्मान भाई यार, ये पता नहीं कौन कौन से हैं सारे भाई, पर हैं अपने सारे, पर अपने ही है सारे, तो अपने ही है, सब अपने ही है। हाँ सारे अपने हो रहे ना, इसकी बहन का नमन जितने जेब के अंदर कागज है ना, उतने पैसे भी, पैसे वैसे मत दिखाओ अंदर रख लो, मेरे जेब में तो कागज ही नहीं है, पैसे नहीं। बात क्या दिक्कत है, बंद कर देंगे, रुक जाओ अभी जरा, रोजा खुल अंदर। बात तो बताओ, मैं क्या बात हो गई, बात कुछ भी नहीं हुई है। वो जरा अनस भाई ना कान भरते भाई उस्मान के, क्या क्या कहा, उनके रोजा खोलते चले जाएंगे हम, जाहिल भाई जिसको जाना अभी चलो जाए। कहाँ पे, अबे इसको मेरे हिसाब से दो बजे बजे में, क्यों मेरे हिसाब से नहीं भाई, अंदर रात रात को जाएंगे, रात को है ना। हाँ बता, सुबह को जो है ना जब रात भर यहीं घूमेंगे तो शहरी भी यहीं करेंगे इंशाल्लाह, शहरी करके चलेंगे, शहरी करके ही चलेंगे भाई। ले भाई मेरा खजानची से तो पूछ लो क्या चीज क्या हो गया, क्या लगा क्या है, मेरा खजाने से तो पूछ लूँ कि जब तुम्हारी इच्छा हो भाई, शहरी वहरी सब यहीं पर ही है, करनी है मेरा खजाना, यहाँ पे टट्टी भी करनी है वो तो कर ली मेरा खजान जी है, जिसको जितने पैसे दिया रहा तोड़ा के जा रहा हो, क्योंकि भाई मेरा खजान जी है चाचा, मेरा आज का गल्ला खाना पीना पेट वेट सब चाचा के जिम्मे। लेकिन एक बात तो बताओ, इसमें रोजे सो खाओगे क्या, अबे शाम को अभी तक मेरे पे आएगा वहाँ के, सैड लग रहा है, खर्च कर ले ऐसे कर लेंगे, गुजार कर लेंगे, मांग गई
बड़ा जल बड़ा लग रहा है चश्मा कसम से। चलो कर दे ना, अच्छा लग रहा है भाई साहब। जब तू वीडियो देख अगर देना मन है देने का तो कम से कम 80 रुपए पे दे सकते हैं। अनस का तो मन है। देखो भाई अगर जो आपको जाना है भाई तो आप कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि हमें मजे भी लेने हैं और खर्च भी ना हो। अब देखो हमने 50 रुपए का चश्मा लिया है, बहुत आग लगा देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ बातचीत नहीं मिल पा रही यार, फिलहाल हम रोजे से हैं तो इसलिए हमने चाह रहे रोजे। तो फिर कैसा करना ऐसे है इंशाल्लाह इफ्तार के बाद देखेंगे अगर मौका मिले। नहीं जी मेरी बात सुनो, वहाँ चल रहे रेड लाइट पर, वहीं से आएंगे पैदल। चलो बंद हो गया तो नहीं जाएंगे, वहीं चल रहे रेड लाइट पर से पैदल अंदर जाना है। अंदर जाना है मतलब लाल किले के अंदर, अंदर नहीं घूम पाएंगे जैसे बता दिया। मतलब बाहर रहने को कह रहे हैं, मतलब दीवार के बाहर अंदर नहीं जाना। कम से कम मैंने 5 किलोमीटर चलवाने वाले हैं आज में। चलाते रहेंगे पूरे दिन, आज अब्दुल्ला ही चलाओगे पूरे दिन। हाँ भाई मैं पीछे को भी देख लो थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल सारे थका के मानोगे। बेचारे ऐसे खड़े हैं मारे हुए से। देखो ये कह रहा है अनिल के रात के 12 बजे जाऊंगा, 1 बजे जाऊंगा, जलन होने लगी तो सुबह 2 बजे, जलन होने लगी इसको 8 बजे। भाई टेंशन में लेना, हाथ हिस्सा हमारा साथ में ही है, अगर त्राई पंडा का नंबर आया तो हम तुम्हें शुरू करवा देंगे। साइड में कोई अन्य तो बता दो, कुरान से तो शुरू करवा देंगे। अब नमाज की टेंशन नहीं लेना, नमाज भी पढ़वा देगा कहीं भी, जुमे की भी खुद भी तो कराना, सब कर देगा। चार रखा ये भाई, ये शायद मीना बाजार ये थोड़ी मीना बाजार तो आगे वाला चांदनी चौक तो आ गया है, सब वही है वो। वही सब जमा मस्जिद वाला बाजार बोला है इसको, जमा मस्जिद वाला। इतनी देर चलने के बाद हम पहुंच फाइनली पहुंच गए। चलना बहुत पड़ रहा है यार, और गर्मी में वो भी ऐसी बाजू में धूप बहुत तेज है। सही कर रहा है भाई, सही ग्लासेस लगा रखा है, सही कर रहा, सुबह टाइम से आ गया। हाँ आप ही कह रहे थे 9 बजे चलेंगे। नहीं तो रास्ते में हालत खराब हो जाएगी थी भाई। अब आराम से जहाँ घेरेंगे और बैठेंगे, चक्का मेन गेट अरे बाजार, भीड़ होनी शुरू हो चुकी है। तो मार्केट लग रही है, दूध वगैरह बिक रही है। ये अभी फिलहाल बंद होगी, बंद अभी कोई भी नहीं है, नहीं तो इस टाइम भीड़ होती है। और अभी तो एंट्री बंद कर रखी है यार, भीड़ देखो काफी, देख रहा तो भीड़ कितनी हो रही है अभी। सही साफ सफाई हो रही होगी। हाँ देखो जालो खुल गया गेट, क्या अंग्रेजों के लिए खोला था गेट वाला, टूरिस्ट जाएगा। अच्छा कब वैसा कब खोलने के लिए बोले भैया? अच्छा इस टाइम पता नहीं कब खोलेंगे यार, ये तो हालत खराब हो जाएगी। क्या छाया में खड़े हो जाते हैं, आओ छाया में खड़े होंगे या फिर आगे चल ले रहेंगे। बाजार तो लगा पड़ा भाई, छाए में खड़े होंगे भाई अभी तो, अंग्रेजों के भी तो एंट्री हो रही है, इनसे तो पैसे लिए होंगे। बहुत टाइम हो गया भाई, इधर से तो हो रही है एंट्री, वो अंदर जाने दे रहे हैं।
क्या हुआ यार, क्या हुआ? चलो यहाँ से तो एंट्री हो रही है एक नंबर से, तो है वहां से बंद कर रखा है ना हिसाब से। तो भाई अगली बार इंशाल्लाह गांधी को मिलेगा। क्या कर रहा है फाइनली एंट्री गेट नंबर फर्स्ट।